आज बहुत ही खुश खबर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हूँ। जितने भी रोइंग के रहने वाले हैं और जो लोग रोइंग के बाहर से हैं, जो यहाँ रोइंग में घूमने आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खुश खबर ये है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ए स्क्वायर कैफे एंड रेस्टोर जो है आज ओपनिंग हुआ है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर पोंडुचेरी के श्री मुकुट मिथी आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि सम्मानित अतिथि के रूप में चिलिको मेतो आए हैं, जो कि फॉर्मर जेडपीसी रहे हैं यहाँ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के। तो आज यहाँ ओपनिंग हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीका से खोला गया है ये रिजॉर्ट। तो जितने भी लोग जो बाहर से घूमने आते हैं या रोइंग के अंदर जो रेस्टोरों में जाकर अपना समय स्पेंड करने पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ, वो यहाँ आकर के अपना टाइम बिता सकते हैं। बहुत सारा फैसिलिटीज खाने के लिए यहाँ अवेल किया जाएगा। तो हम अभी यहाँ के जो ओनर है मिस्टर आहो मिकू से बात करेंगे कि लोग उनके यहाँ रिजोर्ट में आकर क्या क्या फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं। आज आपका यहाँ रिजोर्ट ओपनिंग हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीडिया चैनल को थैंक यू, अरुण भूमि दिबांग एंड खबर अब तक को। आज जो मेरा रिजोर्ट ओपनिंग है, तो हम तो सबसे पहले बात तो हम बहुत खुश हैं कि जो मेरा मेहनत था, जो हमने सोचा था, वो आज फाइनली मतलब ओपनिंग हो रहा है। एंड उसके साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारा चीफ गेस्ट है, जो कि हमारा अरुणाचल का फॉर्मर सीएम एंड फॉर्मर पॉन्डिचेरी गवर्नर और फॉर्मर एमपी भी रहा है, और उसके साथ जो हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है वो नवा चिलिको, जो फॉर्मर हमारा जिला परिषद चेयरमैन था। सबसे पहले हम थैंक यू बोलेगा जितना भी मेरा वेल विशर्स था एंड जो सीनियर्स, मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड्स, जो मेरा ब्रदर लोग हैं, उसने हमको बहुत सारा एडवाइस सजेशन हमको हमेशा मोटिवेट किया है कि मतलब कुछ भी चीज़ कर रहा है तो हमेशा उसको ख़त्म करो। तो इसको लेकर आज फाइनली मेरा रिजॉर्ट का ओपनिंग है, और हल्का सा हम बता दिए कि मेरा जो रिजॉर्ट है वो देवपनीर ब्रिज से जस्ट क्रॉस में आता है, उसको जस्ट क्रॉस करते ही। तो मेरा यहाँ का जो रिजॉर्ट है, ये इसमें हम खुद भी जहाँ तहाँ घूमता है तो हमको भी ये लगता है कि हम जितना अपना तरफ कोशिश करेगा कि यहाँ में हम जितना हो सके एक लोकल कुजीन, जो कि हमारा अपना ईद मिशमी का एक आसिम भी बोलता है, एंड दूसरा हम लोग का जो लोकल हो गया नागा थाली हो गया, ये सब को लेकर रखेगा बोल के कर रहे हैं हम। जो मेरा जो रिजॉर्ट है ये तो फर्स्ट अभी हम एज ए ये अभी ओनली हम फूडिंग के लिए कर रहा है, बट अभी से आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर का बाद हम यहाँ में लॉजिंग का भी हम यहाँ में बंदोबस्त कर रहा है, जो कि जस्ट इसका जस्ट थोड़ा नीचे में एक एरिया है जिसमें हम अपना लॉजिंग को लेके, क्योंकि जैसा आप बोला है कि आनी नहीं है अभी सबका बकेट लिस्ट में, एंड मेरा भी कुछ कुछ जस्ट 7 लेक हो गया जिसको हम खुद भी जाना चाहता है। तो बहुत सारा यहाँ आता है, लास्ट टाइम भी टूरिस्ट आया था जिसको लेके यहाँ होटल बंद हो गया था, तो उसको भी यहाँ में हम बैठने के लिए दिया था टेंट बना के ना। तो हमको भी लगता है कि जो टूरिस्ट है वो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग को जगह को एक्सप्लोर करा रहा है, तो इससे मतलब लॉजिंग तो हम रखेगा। सबसे पहले तो आदमी जब 2-3 रुपया जब एक्स्ट्रा देके जब जाता है रिजोर्ट, तो उसका मन में ये रहता है कि एक अच्छा सर्विस चाहिए एंड अच्छा एम्बियंस चाहिए एंड जो खाना का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा 100% सही होगा, बट जितना हम खुद भी बाहर घुमा है, हम खुद देखा है, तो हमको लगता है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इसी में रहेगा कि अच्छा सर्विस एंड फूड क्वालिटी अच्छा होना है एंड तो हाइजीन मेंटेन होना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको ऐसा लगता है। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ जो रोइंग से आनिनी जो हाईवे है और रोइंग से करीबन 1 किलोमीटर एजे नदी के इस पार जो एजेंगो भी कहलाते हैं, वहाँ ए स्क्वायर रिजॉर्ट और कैफे का उद्घाटन हुआ है, और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत मनोरम लोकेशन है। यहाँ बैठे बैठे जो भी यहाँ आएंगे वो बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ आए और ये मनोरम दृश्य, और अभी तक तो खाया नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ का भी जो डिशेस होगा बहुत अच्छा होगा, और भविष्य में भी जो नीचे के पोर्शन है वहाँ भी लोग ठहरने का और बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत हम लोग को बुलाने का चिलिको मेतो जी, जिन्होंने जिनके हाथ से आज का इसका उद्घाटन हुआ,
और हमें भी और हम लोगों को बुलाया है, इसलिए आहोको जो इसका प्रोपरेटर है, मालिक है, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा चलेगा ये रिजॉर्ट। जैसे कहते हैं ना कि अंडा आगे पहले आया या मुर्गी पहले आया, तो इसी तरफ कि पहले रिजॉर्ट बनने चाहिए या टूरिस्ट आने चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ ये शुरू होना चाहिए। क्योंकि जब आपका टूरिस्ट आएंगे तो रिजॉर्ट का दरकार पड़ेगा, जब रिजॉर्ट बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। तो इसलिए मैं बहुत आशा करता हूँ ये बहुत कामयाब रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। हम सबसे पहले औरन भूमि धन्यवाद देता हूँ आप लोग ने यहाँ ये आहो मिकु ने ए स्क्वायर रिजॉर्ट एजेंगो में खोला है, और इन्होंने बेटा ने हम लोग को हम अपया हम दोनों हम लोग को बुलाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग यहाँ आके देखा है, इतना सुंदर जगह, एक अच्छा जगह सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये एक हाईवे का सामने है, तो यहाँ से आजकल फिर रोइंग से आने नी रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया और टूरिस्ट बहुत फ्लो होने वाला है। इसलिए यहाँ का जितना भी आने नी टूरिस्ट जाने वाला लोग यहाँ में स्टे करके, यहाँ में खा पी करके, यहाँ का जो रिजॉर्ट को भी यहाँ स्टे करके जाएगा, और आने नी में एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होने जा रहा है। तो इसलिए दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली कनेक्टिविटी में बहुत टूरिस्ट आएगा, तो इसके लिए यहाँ का जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग भी ये सब अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सब कर रहा है। इसलिए ये आहो मिकु का भी एक सेवक, यहाँ से भी आप लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट जितना यूथ लोग है सीखना है कि ऐसे ऐसे हो सकने से अपना मेहनत करना है, ऐसे अपना मेहनत करके ये इनकम जनरेशन करना है, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जितना भी पढ़ा लिखा करके भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं हो पाता है। इसलिए ये सब अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक सस्टेनेबल एक इकोनॉमिक के लिए ये सब कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा विश करता हूँ कि फ्यूचर में अच्छा से चलेगा। और यहाँ जितना भी बाहर से जो आसाम से हो या कहीं फॉरेनर भी आता है, हम लोग देखा है कि कल परसों भी होली में भी जापानीज लोग बहुत आया हुआ है, तो होली में भी एक हम लोग ने टूरिस्ट बनाया, उसमें ये जोना मिसो वो भी टूरिस्ट चला रहे हैं वहाँ ये होम स्टे टाइप का। तो यहाँ होके होली स्टे करेगा, होली से फिर अनैनी इतालिन ऐसे करके एक स्टेप वाइज ऐसे माने टूरिस्ट प्लेस ये होम स्टे टाइप का होने से टूरिस्ट लोग भी आने के लिए भी बहुत सुविधा मिलेगा। तो इसलिए आज आहो मिकु ने हम लोग को बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नानी इंता धोनी पोलो से ये प्रार्थना करता है कि ये रिजॉर्ट अच्छा से अच्छा चले, बहुत अच्छा से चले। थैंक यू।